राम प्रिया, तुम दोनों अगर ऐसे ही गूफ अप्स करते रहे ना तो वो और कंफ्यूज हो जाएगी। तो फिलहाल इस मैटर को माँ को हैंडल करने दो। पियू के जितने भी सवाल है ना, उन सारे सवालों के जवाब मम्मा दे देगी। एंड डोंट वरी, माँ को अच्छे से पता है कि उसे पियू को क्या बताना है और किस तरह से बताना है। तो प्लीज तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ और पियू को नॉर्मल होने दो। राम, आपको जहां जाना है, ऑफिस, घर, जहां भी जाना है, आप बेफिक्र होके जाइए। पियू इज सेफ। आपको पता था मेरे पापा का नाम राम है? हाँ। किसी ने भी नहीं बताया, आपने भी मुझे नहीं बताया, क्यों? अच्छा ये बताओ पियू, मैंने कितनी बार तुमसे तुम्हारे एडवेंचर्स के बारे में पूछा है पर तुमने मुझे उनका कोई जवाब नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो मम्मा और मेरा सीक्रेट था। हाँ, और मैं कभी इस बात के लिए तुमसे नाराज हुई क्या? नहीं ना। तो बच्चे ठीक वैसे ही तुम्हारे पापा और तुम्हारे मम्मा का ये सीक्रेट है, वो अभी तुम्हें इस बारे में नहीं बताना चाहते थे, तो अब इस बात के लिए तुम्हें नाराज होने की तो जरूरत नहीं थी। पर मुझे मम्मा और मिस्टर करूस को साथ मिलाना है। आपको लगता है मेरा माँ भगवान जी मेरी विश पूरी करेगी? हाँ बच्चे, तभी तो तुम्हें भगवान जी ने तुम्हारे पापा से मिलवाया। पर अब मैं मम्मा पापा को कैसे मिलाऊं? तुम्हें पता है पियू, भगवान जी ने ना बच्चों को एक बहुत बड़ी ताकत दी है, प्यार की ताकत। और बच्चे मासूमियत से हर किसी में प्यार बांटते रहते हैं, प्यार की ताकत। पीहू, प्यार के बल पर कुछ भी किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, मैं सोल कस्टडी के लिए फाइल नहीं करने वाला। ओके मॉम, अपनी समझाइए इसे। आंटी खुद ये बात समझ चुकी है कि मैं सही कह रही हूँ राम। देखो राम, आई अंडरस्टैंड, आइडियली एक बच्चे को अपने दोनों पेरेंट्स का प्यार चाहिए होता है, लेकिन हर रिश्ते की रियलिटी भी तो आइडियल नहीं होती है ना, और तुम्हारे केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग मेरी बात समझे ना प्लीज, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं मानना चाहता हूँ कि प्रिया ने जो कुछ भी किया उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। वजह तो मेरे पास भी है राम, कस्टडी पेपर्स बनवाने की, और वो ये है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर होने नहीं दे सकती। चाहे मुझे इसके लिए तुमसे भी क्यों ना लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगी। सर वैसे घर पे सब ठीक है? तुम बताओ, राम भाई तुम्हारे घर पे थे तो? अभी तक तो सब ठीक है, आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। क्लूलेस। मतलब अब प्रिया क्या सोच रही है? सर बात इसकी नहीं है कि प्रिया दी क्या सोच रहे हैं, बात इसकी है कि पीहू क्या चाहती है। या सैंडी, पीहू बच्ची है और वो क्या चाहती है ये जानने के लिए प्रिया और राम भाई को बात करनी पड़ेगी उसे, राइट? अच्छा वैसे कौन है पीयू के साथ अभी? मम्मा है सर। अच्छा, और पीयू राम भाई से नफरत तो नहीं करती ना? कैसी बात कर रहे हैं सर आप, नफरत? सर आई थिंक आपको भी गलत फहमी है, हमारे घर में कोई भी राम सर से नफरत नहीं करता है। नोबडी हेट्स हिम। आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, यू नो व्हाट। आई नो सर। अच्छा क्या मेरा माँ पीयू को कन्विंस कर पाएंगी? किस लिए? राम भाई को लाइक करने के लिए। वो मैं कैसे बता सकती हूँ सर, पियू छोटी सी बच्ची है और ऐसे उसको कन्विंस तो या आई मीन फोर्स नहीं किया जा सकता ना आपको कि आप किसको लाइक करते हैं किसको नहीं। वो भी ऊपर से एक छोटी सी बच्ची को। सो या यू आर राइट एक्चुअली। ओके काम करो, तुम पेपर्स चेक कर लो, मैं जाके आता हूँ। इफ एनीथिंग प्लीज कॉल मी। श्योर सर, आई लेट यू नो। थैंक यू सर। इट्स माय वर्क सर, इट्स ओके। आंटी मेरे लिए सिर्फ राम की खुशी मैटर करती है, और अगर राम कोर्ट नहीं जाना चाहता तो ठीक है ना आंटी? कट कर दिया, शायद मीटिंग में बिजी होंगे। मैं कोई पेपर साइन नहीं करने वाला, माय डिसीजन इज जस्ट फाइन। ओके तो बदल दीजिए भाई। उनका डिसीजन आपके साथ मैच नहीं करता। सैंडी ने साफ कहा है मुझसे
कि वो पीहू को आपके साथ रहने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो पीहू को अपने साथ रख के ये कहेंगे कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहते। दैट्स इट। ये अंदर क्या चल रहा है? सैंडी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैं और विक्रांत वहीं पर थे। सैंडी ने सिर्फ इतना कहा था कि पीहू बच्ची है, उसे कोई फोर्स नहीं करेगा। तू बातें घुमा फिरा के क्यों बोल रहा है शुभा? आदि, तुम बीच में बात क्यों कर रहे हो? ये तुम्हारा मैटर नहीं है। जस्ट लीव। राम, प्लीज सुन मेरी बात। चीजें जैसे तू सोच रहा है ना, वैसी नहीं है। तेरे दोस्त और प्रिया ने तुझे कोई धोखा नहीं दिया राम। अरे हमें क्या मिलेगा तुझे सच छुपा के? बता मुझे, सोच इस बारे में। प्रिया पीहू को तुझसे अलग नहीं करना चाहती है राम, और यही सच है। प्रिया सूद जी, मैं हूँ। ये पेपर्स आपके लिए हैं। थैंक यू। वेलकम। मैं कम इन सर। मिस्टर राम कपूर, कोर्ट समन है। ले रही? जी। कस्टडी हियरिंग आज? ये जरूर प्रिया ने किया। राम ने भेजा एक कस्टडी समन, वो भी आज का। ये करने क्या था वो घर? ठीक है, अगर वो ये चाहते हैं ना तो ठीक है, मैं कोर्ट जाऊंगी। उसे कस्टडी चाहिए ना, यही बात उसे मुझसे नजरें मिलाकर कहनी होगी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? किस बात की हिम्मत? मैं वो ये स्टॉप। मैं तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा था, ओके? और मैं आपके कॉल को आंसर करने का वेट कर रही थी। एक सेकंड, तुमने मुझे फोन किया था? जी हाँ, जो आपने उठाया नहीं और उसके बाद कॉल बैक भी नहीं किया। और इसीलिए ये नोटिस भेज दिया तुमने मुझे? नोटिस आपने भेजा है मुझे? तुमने भेजा है मुझे? पहली बात, ये केस सोल कस्टडी की हियरिंग का नहीं है। दूसरी बात, इस केस के लिए आप दोनों में से किसी ने भी अर्जी नहीं दी है। आखिर वो नोटिस भेजा किसने? I think ये प्रिया ने किया। हमने नहीं किया तो फिर किसने किया? पीहू? पीहू? ये सब आपने किया है? ये बच्चे देखो, I understand, आप confused हो अभी इस वक्त, right? Confused आप दोनों हो, मैं नहीं। हेलो, मैं हूँ पीयू जी का लॉयर। तुम? आप? मतलब एक बच्ची, 5 साल की बच्ची, कोर्ट में हमें अपने पेरेंट्स को सू कर सकती है। उसके सिग्नेचर्स कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना गार्डियंस के? साइन मैंने किए हैं, सारे लीगल फॉर्मेलिटीज पर मेरे साइन होंगे। चड्डा साहब ने कहा था कि इस तरह का केस आज से पहले कभी भी नहीं आया, तो एक तरह से ये एक उदाहरण होगा उन माँ बाप के लिए जो अलग होना चाहते हैं बिना ये सोचे हुए कि उनका छोटा सा नाबालिग बच्चा अपने माँ बाप को अलग होते हुए देखना चाहता भी है या नहीं। बस उन्हें बांट दिया जाता है उनके माँ बाप के बीच बिना उनका मन जाने। पीहू सूद कपूर एक 5 साल की छोटी सी बच्ची जिसे अभी अभी पता चला है कि राम कपूर उसके फादर है। आमतौर पर तो ये बहुत खुशी की बात होती, लेकिन इस वक्त पीहू के लिए नहीं है, क्योंकि उसे ये भी पता है कि उसके माँ बाप साथ रहना तो दूर, एक दूसरे के साथ में खड़े होना भी नहीं चाहते। आप दोनों की एटीट्यूड से परेशान होकर पीहू ने ये केस दायर किया है जिसे मैं मंजूरी देती हूँ। कैसे ऐसे है? पीहू बेटा, आप क्या चाहते हो बताओ मुझे। मुझे दोनों चाहिए, मम्मा भी और पापा भी, नहीं तो कोई भी नहीं। कौन आप दोनों को एक महीने की मोहलत देती है जिसमें पीहू ये ऑब्जर्व करेगी कि आप दोनों उसके साथ
और एक दूसरे के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, जिसके आधार पर एक महीने बाद वो खुद अपना फैसला लेगी कि उसे आप दोनों के साथ रहना है या आप में से किसी एक के साथ, और या फिर आप दोनों में से किसी के साथ भी नहीं। क्या बोल रही हैं आप? This is not बच्ची। और जो भी फैसला लेगी कोर्ट को वो मंजूर होगा। How is this okay? देखिए वो बच्ची है ना, वो तो किसी की भी बातों में आ सकती है। ऐसा ना हो इसीलिए पीयू हर हफ्ते आकर मुझे इस केस की रिपोर्ट देगी। मैं खुद पर्सनली इस केस को हैंडल करूंगी ताकि इसे कोई बहका ना सके। ठीक है बेटा। मिस्टर चड्डा, आप इस केस को बारीकी से देखिए और इस केस में हर रोज की जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो मुझे लाके दीजिए। एंड पीहू बेटा, अगर आपको इस बारे में कोई भी बात करनी हो या फिर अपने मम्मी पापा में से किसी की भी कोई शिकायत करनी हो तो आप चड्डा जी के पास आके बोल सकते हैं, मुझे आपकी हर खबर मिल जाएगी। ओके बेटा। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें किसके साथ जाना है, मतलब मेरे साथ या मम्मी मम्मा के साथ। मेरे साथ जाना चाहोगी तो बता दो मुझे। मिस्टर कपूर को बुरा लगेगा कि जानकर कि पीहू मेरे साथ जाना चाहती है, पर मुझे पीहू से बात करनी है, उसका मेरे साथ होना जरूरी है। मिसुद के साथ। ओके ठीक है, दैट्स गुड, इट्स अ गुड चॉइस। नाउ सब कुछ जानते हुए भी पीहू प्रिया के साथ गई। अभी सोचो ना, 5 सालों से उसके पापा उसके साथ नहीं रहे। उसे तुम्हें चुनना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसने प्रिया को चुना। और प्रिया, प्रिया भी तो पीहू को वापस भेज सकती थी ना तुम्हारे पास, लेकिन उसने भी ऐसा नहीं किया। यू नो व्हाट, मैं जानती हूं कि प्रिया ऐसा ही चाहती है, इसीलिए तो उसने पीहू को तुमसे दूर रखा 5 सालों तक। I don't believe this. प्रिया ने जो किया सो किया, लेकिन आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने? आपको पता था प्रिया की कोख में मेरा बच्चा है, और मुझे सच बताने के बजाय आपने मुझे इस बात पर यकीन दिलाया कि वो कृष्ण का बच्चा है। प्रिया ने मुझे यह बात बताई, खुद को खुश नसीब समझता था कि मेरे पास दोस्त है, प्यार है, परिवार है, मेरी माँ है, लेकिन एक के बाद एक सारे भ्रम सारी गलतफहमियां दूर होती गई, धोखे मिलते गए और अपनों का साथ छूटता गया, यहां तक कि आज मेरी बेटी ने मुझे सूख कर दिया और मैं अकेला खड़ा हूं। वहां प्रिया उसके पास उसका परिवार है, उसके दोस्त है, मेरी बेटी है, मैं यहां अपनों के साथ होते हुए भी अकेला खड़ा हूं। नहीं राम, तुम अकेले नहीं हो। I'm sorry. I'm really sorry, राम, मैं अपनी बेटी को उस चिता पे देख नहीं पाई। मैं अंदर से टूट गई थी राम। मैं प्रिया को सजा देना चाहती थी बस, और सिर्फ जेल जाना काफी नहीं था, मैं उसे और सजा देना चाहती थी, और इसीलिए मैंने उसे कहा उस वो कहने के लिए। I'm sorry. मेरे गुस्से में मैंने 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 तुम्हारे साथ गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। मुझे कोई बात मत छुपाना। मैंने जो तब किया वो मैं अपनी ही करूंगी, मैं अपनी गलती सुधारूंगी, क्योंकि गलती मेरी है। यू नो व्हाट, कल दशहरा है राम, कल दशहरा है, मैं वादा करती हूँ मेरे इस राम का वनवास कल खत्म हो जाएगा। हाँ, कल पीयू हमारे साथ होगी, पर जब तक वो नहीं होगी ना, हम कपूर मैंशन नहीं जाएंगे। हम सब दोबारा कपूर मैंशन पीयू के साथ जाएंगे। ओके, ये वादा है। आई प्रॉमिस यू राम, आई प्रॉमिस यू।
मैं आज के बाद कुछ नहीं छुपाऊंगी, ओके? और मैं सब ठीक कर दूंगी, और अगर मैं ठीक नहीं कर पाई ना, फिर उसके बाद तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। राम का भरोसा वापस पाने के लिए और उस प्रिया को रास्ते से हटाने के लिए मुझे ये करना ही होगा। हाय पीहू, कैसी हैं आप? आपको पता है मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। मैं भी सबसे ज्यादा मिस करूँ उसको, पर क्या करूँ, करना पड़ा। आई नो, मैं जानती हूँ आपकी मीरा माँ आपको बहुत हेल्प कर रही है ना, मुझे भी हेल्प करनी है पीहू। और पता है इसके लिए मैंने कुछ सोचा है। आपको पता है कल क्या है? क्या? दशहरा। इसी दशहरे के दिन 5 साल पहले आपके मिस्टर खड़ूस और मम्मी की शादी हुई थी। तो मैंने कुछ सोचा है, मैंने ये सोचा है कि कल क्यों ना हम एक पार्टी रखें, सरप्राइज पार्टी। और मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना तुम कल कपूर मैंशन आओ, अपने मिस्टर खड़ूस के साथ थोड़ा टाइम भी बिताना। हाँ, और मैंने ये भी सोचा है कि कल हम क्यों ना एक छोटी सी सरप्राइज पार्टी रखें, हाँ, हमारे मिस्टर खड़ूस और प्रिया के लिए। तुम अपनी मम्मी को लाओगी ना यहाँ, एक फैमिली की तरह तुम तीनों अच्छे से टाइम बिताना। कैसा लगा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा। ग्रेट। एंड लिसन, ये एक सीक्रेट एडवेंचर है, किसी को इसके बारे में कुछ मत बताना, ओके? ओके, थैंक यू दादी, आई लव यू। बाय पीयू। ग्रेट, कल दो चीजें होंगी। एक, राम को रियलाइज हो जाएगा कि मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, और दूसरा, पीहू का राम और प्रिया को साथ मिलाने का, एक हैप्पी फैमिली बनाने का सपना टूट जाएगा। ये जो स्पेशल है ना, अब मिस्टर खड़ूस भी हमारी लाइफ में है। वो तो है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो हम एक काम करते हैं, हम मिस्टर खड़ूस को भी यहाँ बुला लेते हैं रावण दहन के लिए, ओके? अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। देखा पीयू, मम्मा आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। सब कुछ? ऑफ कोर्स, आपके लिए कुछ भी। प्रॉमिस मना तो नहीं करोगे? नहीं बाबा, नहीं करूंगी। हाँ, पर ये मत बोलना कि रावण दहन नहीं करना है। करना है, करना है। पूरी गाना ही मिस्टर खड़ूस के साथ वहाँ उनके घर, प्लीज। वहाँ जाना मतलब मिसेस कपूर से सामना होना, और वही तो मैं नहीं चाहती हूँ। पीहू, बच्चे तुमने जो कोर्ट में कहा वो बिल्कुल सही था, लेकिन इस तरह से मम्मा पापा को फोर्स करना ये अच्छी बात नहीं। मैं कहाँ फोर्स कर रही हूँ, उन्होंने तो बोला मुझे हैप्पी करने के लिए कुछ भी करेंगे, नहीं करना तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप चाहते हो ना मैं आऊँ तो मैं आऊंगी। ये पर हैप्पी हैप्पी, सैड सैड नहीं। सैड में कैसे हो सकती हूँ, जब मेरी पीहू हैप्पी होती है मैं भी हैप्पी हो जाती हूँ। सच्ची? मुझे कल मिस्टर खड़ूस के घर जाना है, मैं जाऊँ? ऑफ कोर्स जाओ। आप चाहते हो मैं छोड़ के आऊँ आपको? नहीं नहीं, आप मत आओ। क्या हुआ पीहू, आप मुझसे कुछ छिपा रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे तुम आ गई? हाँ, आज दशहरा है ना, हाफ रावण मम्मा ने बनाया, हाफ आप बनाओगे मेरे साथ। तुम्हें दशहरा सेलिब्रेट करना है? अरे तो मुझे भी करना है, पार्टी करेंगे, मतलब धूम धमाके से सेलिब्रेट करेंगे, ओके? यू रेडी? हाँ? शुभू, अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हो गई हैं राम। पीहू बेबी से मेरी बात हो गई थी और उसने मुझसे कहा इसीलिए हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रख रहे हैं आज। राम, मुझे आज से कोई गलती नहीं होगी। मैं भी कोई गलती नहीं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस यू राम, जब तक मैं जिंदा हूं मैं बिल्कुल वैसी मां बनूंगी जैसा कि तुम डिजर्व करते हो। थैंक यू। फिर
मैं चाहती हूँ हम तीनों मैचिंग कपड़े पहने। एक सेकंड मेरा। अच्छा बच्चे मेरा फोन आ रहा है, तुम ना थोड़ी और ड्रेसेस देखो, मैं ये लेकर आया। ओके मिसु, चलो मैं आपके लिए ड्रेस देख के ट्राई करूँ। आंटी वो वाली व्हाइट ड्रेस। क्यों व्हाइट ड्रेस क्यों? वन सेकेंड। अब ये ड्रेस ट्राई करो। क्या? नहीं पीहू। प्लीज मुझे आपको देखना, भी इसमें कैसे लगते हो, बहुत अच्छे दिखोगे। करती हूँ ट्राई। ओके प्रिया, पीहू कहाँ चले गए? कहीं प्रिया फिर से उसे हाथ तो नहीं ले गई? Oh no! अरे वो ड्रेस का जिप। ओह पीहू कहाँ है? यहाँ तो नहीं है पीहू। ठीक है कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँ। मतलब कोई असिस्टेंट भी नहीं है तुम? नहीं तो कि वैसे भी मुझे ये ड्रेस ट्राई करना नहीं था, मतलब वो पीहू जिद कर रही थी इसलिए मैंने पहन लिया, बट अच्छा है वो नहीं है तो मैं चेंज कर लेती हूँ। ऐसे कैसे पीहू ने? अरे बिल्कुल नहीं करोगे? ओके मतलब मेरी बेटी को जो चाहिए ना वो वही होगा। ओके वाओ मुझे घुटन सी हो रही है अंदर, मुझे गेट आउट ऑफ दिस। मम्मा ये लो। ये क्यों? आप दोनों दुल्हा दुल्हन लग रहे हो ना। Nice flowers, ये no, 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 not okay, flowers मम्मा को दो। हाँ ये लो, ले लिया, अभी ठीक है? ओके क्या कर रहे हैं आप लोग? सॉरी सर आपको इतना वेट करना पड़ा, इसे अनलॉक करने का बटन खराब हो गया था, रिपेयर हो गया, बस दो मिनट में ओपन हो जाए। अरे करो ना यार। बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। गुड जॉब पीहू, शाम की पार्टी बहुत अच्छी होगी। विनय का बात बाद में। नहीं राम बाद में नहीं, हमें शाह एंटरप्राइजेस की मीटिंग के लिए अभी जाना पड़ेगा। हाँ तो आदि गया ना उसके लिए? राम आदि वहाँ गया होता तो वो लोग गुस्से में मुझे कॉल नहीं करते, आदि वहाँ पहुँचा ही नहीं है। अरे शुभम ने मुझे कहा है कि आदि निकल गया उसके लिए। सुनो विनय का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कंफ्यूजन क्या है, लेसन पर मैं अभी ना अपनी बेटी के साथ हूँ। मैं कुछ राम आई अंडरस्टैंड, मैं खुद तुम्हें कॉल नहीं करना चाहती थी, मैं सोच रही थी कि शुभम को अपने साथ ले जाऊँ, पर कंपनी का सीईओ हमसे बहुत नाराज है। और राम ट्रस्ट में ये सब तुम हैंडल कर सकते हो, हम अपनी इमेज खराब नहीं कर सकते ना राम। राम सी शाम का फंक्शन शुरू होने से पहले हम लोग वापस भी आ जाएंगे। एक बार क्लाइंट शांत हो जाए उसके बाद तुम वहाँ से निकल जाना, फिर बाकी सब मैं हैंडल कर लूंगी। राइट ओके। इट्स ओके आप जाओ, लेकिन शाम को जल्दी आना, लेट मत होना। ओके रियली? अरे मैं लेट हो ही नहीं सकता क्योंकि मुझे ना बस यार मेरी बेटी के साथ सेलिब्रेट करना, नॉट गोना बी लेट। ओके हेलो राम। मॉम हम लोग मीटिंग खत्म करके बस घर ही आ रहे हैं, कितना वक्त लगेगा ड्राइवर साहब? राम हाँ GPS के अकॉर्डिंग हाफ एन आवर लगेगा। हाफ एन आवर? अच्छा ठीक है चलो बाय। मिस्टर खरूस कितनी देर में आएंगे घर? उन्हें आधा घंटा और लगेगा बेबी। सब लोग आ गए पर मुझे क्यों टाइम लग रहा है? राम एक नया रूट मिला है मुझे, 15 मिनट्स लगेंगे। हाँ या 15 मिनट नहीं राम, 1 घंटा 15 मिनट। जीरो उम्मीदें रखो कि आज तुम टाइम पे घर पहुंचोगे, आज तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार भी अकेले करेगी और रावण दहन के सारे इंतजाम भी अकेले। मिला गुलाब जामुन? तुमने किसी को बताया नहीं ना हमारे सीक्रेट के बारे में? अरे माँ से सीक्रेट बता देती तो सीक्रेट रहता था। अच्छा पीयू जैसे ही पार्टी खत्म हो जाएगी ना तो मम्मा पापा को जाके सरप्राइज दे देना। ओके ओके पर माँ से सरप्राइज मैं तो भूल गई। हाँ
यहाँ। ये लो आपके और आपके मिस्टर और मिस्टर खड़ूस के लिए हॉलीडे टिकट्स, जैसे आपको चाहिए थे। पर वो मानेंगे इस टिकट के लिए? देखो मुझे पता है कि दोनों ना थोड़ा ड्रामा जरूर करेंगे, लेकिन हम कुछ सोचते हैं उन्हें किसी ना किसी तरह से मनाने के लिए। ओके थैंक यू मेरी मैसेज इस गिफ्ट के लिए। अरे ड्राइवर साहब थोड़ा जल्दी चलो ना यार, ना ट्रैफिक क्यों है, क्या क्या हुआ है? पता नहीं सर। ऐसा कैसे हो सकता है राम, ये तो सबसे फास्ट रूट था। ओह गॉड कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? मिस्टर कपूर कहाँ है आप? राम फंस गया है, उसे आने में देर हो जाएगी। अब क्या करें? पर उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो जल्दी आएंगे। आई नो बेबी, आपको पता है उन्होंने अपनी मीटिंग भी जल्दी जल्दी खत्म की और ऑफिस से निकल भी गए थे, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक की वजह से फंस गए। पीहू जब तक मिस्टर कपूर आते हैं हम एक एडवेंचर करें। क्यों बनाएं अपना एक एडवेंचर? मम्मा नहीं माँ, पीहू का मूड खराब है ना, वो नहीं करना चाहती है। मैं रेडी हूँ, बताओ ना मेरा मैं क्या करना है एडवेंचर में, प्लीज बताओ ना। क्यों दशहरे में कुछ करें अपने तरीके से? दशहरा एडवेंचर ये। मिस्टर कपूर ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास, प्लीज जल्दी आइए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।